तीर्थवरपनतस अरहनाये वोठिवोमि हुज्जमे अरहना तव पसायाये तव पसायाये तव पसायाये। तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए धर्म आराधना की कला सीखने की आज्ञा लेते हुए आसन ग्रहण करें। सीधा बैठ करके कल का प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार। पूरी तरह सीधे, कंधे पीछे की ओर, गर्दन सीधी, अपने श्वास को महसूस करते हुए ध्यान मुद्रा। लोगस्स उज्जोय गरे धम्म तीर्थ यरे जिने अरिहंते कितैसं वंदामि नमंसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पज्वास्वामि मथेन वंदामि तीर्थयरा मे पश्यन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। महसूस करें तीर्थंकर परमात्मा के प्रकाश को, तीर्थंकर परमात्मा की कृपा की वर्षा को, उनके चरणों में स्वयं का मस्तक और स्वयं पर उनके पावन पवित्र कृपा में दृष्टि ग्रहण करें, धारण करें, गहरा सांस लेकर के होल्ड करें। सहजता से होल्ड करें, जब सांस छोड़ना हो हाथ को रब कर करके अशुभ किया, सुबह उठते ही अशुभ जिन्होंने जिन्होंने किया हाथ ऊपर करेंगे। ओके, बाकी याद नहीं रहा या याद नहीं रहा तो कैसे याद रखोगे अब इसको, क्योंकि प्रैक्टिस में लाओगे तो भी इसका रिजल्ट मिलेगा ना। तो याद रखने का क्या सूत्र हो सकता है आपके पास, जहां आप सोए वहां सामने लिख करके रख सकते हैं कि उठते ही मुझे पहले ये करना है। रिमाइंडर की क्या क्या व्यवस्था है आपके पास, जो आपको सेल्फ रिमाइंडर कर सके, क्योंकि प्रैक्टिकल आप करोगे तब आगे एहसास होगा और आगे चल पाएंगे। ओके, तो उम्मीद करो कि कल सबके हाथ ऊपर रहेंगे। किस तरीके से हम स्वयं को सुरक्षित करते हुए खतरों से खेल सकते हैं, उसकी साधना, उसका प्रैक्टिकल कल से अपना शुरू हुआ है। और उसका पहला सूत्र था कि दूध में यदि दही का जामुन दिया जाए, बाद में उसमें नमक भी आए तो दही फटता नहीं है। वैसे ही अपनी चेतना में, अपने तन में, अपने मन में, अपने विचारों में यदि हम तीर्थंकर परमात्मा की ऊर्जा का, सिद्ध परमात्मा की ऊर्जा का ग्रहण करके जामुन देते हैं तो दिन भर में आने वाले किसी नमक का असर स्वयं पर नहीं होगा।
लेकिन जामन देना है, और जामन कितने देर देना पड़ता है? एक बार जामन दिया काम हो जाता है, वापस जामन देने की जरूरत नहीं होती है। कल सवाल पूछा गया था, क्या बुरी नज़र होती है? बुरा आदमी होता है तो बुरी नज़र भी होती है, और अच्छे आदमी होते तो अच्छी नज़र भी होती है, लेकिन आसर कब होगा? जब हम ग्रहण करेंगे। यदि हमने ग्रहण नहीं किया तो आसर नहीं होगा। तीर्थंकर परमात्मा की नज़र का आसर क्यों नहीं हो रहा है? हम उसको ग्रहण नहीं करते हैं। और यदि हमने उसको ग्रहण कर लिया तो आसर पक्का होगा। क्यों तीर्थंकर परमात्मा की बात आती है और क्यों आपको तीर्थंकर परमात्मा की बात को समझना है? आप जानते होंगे कि दुनिया में बहुत सारे अध्यात्म के साधना के मार्ग, बहुत सारे, जितनी भाषाएं में उतने धर्म हैं, लेकिन तीर्थंकर जो शब्द है वह केवल जैन धर्म में आपको मिलेगा। तीर्थंकर का मीनिंग जो आपको श्रेष्ठतम बनाए, जो आपको जन्म दे वो नहीं, और कोई किसी को जन्म दे नहीं सकता है। पत्थर की मूर्ति मूर्तिकार बना सकता है, लेकिन पत्थर को वो जन्म नहीं दे सकता है। आप सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा करके बिल्डिंग बना सकते हो, लेकिन रॉ मटेरियल को आप जन्म नहीं दे सकते हैं। वैसे ही कोई किसी को श्रेष्ठ बना सकता है, लेकिन कोई किसी को जन्म नहीं दे सकता है। ये जैन दर्शन का पहला सिद्धांत याद रखना है कि कोई भी किसी का मूलभूत रूप से निर्माता नहीं है, केवल उसकी क्वालिटी को चेंज कर सकता है। और ये क्वालिटी को चेंज करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको कहते हैं तीर्थंकर। एक तीर्थंकर बनने के लिए लंबी साधना लगती है। तीर्थंकर कोई नेचुरल नहीं है, तीर्थंकर होना कोई नैसर्गिक प्रक्रिया नहीं है, प्राकृतिक घटना भी नहीं है। जैसे सिद्ध होना यह आत्मा का स्वभाव है ना, जो बात समझ में नहीं आ जाए पूछ लेना। सिद्ध होना आत्मा का स्वभाव है, लेकिन तीर्थंकर होना यह आत्मा का स्वभाव नहीं है। ध्यान में आ रहा अंतर? सिद्ध होना आत्मा का स्वभाव है, मुक्त होना आत्मा का स्वभाव है, लेकिन तीर्थंकर होना आत्मा का स्वभाव नहीं है। वो तीर्थ आत्मा का वैभव है, एक स्पेशल क्वालिटी है, और वो क्वालिटी तब डेवलप होती है जब अंतर मन में एक भावना होती है कि मैं दूसरों को श्रेष्ठतम बनाने में समर्थ बनूं। वाक्य दोहराएंगे, मैं दूसरों को श्रेष्ठतम बनाने में समर्थ बनूं, मैं दूसरों को बढ़िया से बढ़िया बना सकूं। संसार का कोई जीव घटिया नहीं रहे। तीर्थंकर की इमोशन क्या होती है? संसार का कोई जीव घटिया नहीं रहे, दुष्ट नहीं रहे, पापी नहीं रहे। मैं ऐसा प्रयास करूं, मैं ऐसी साधना करूं, ऐसे मार्ग निर्माण करूं कि किसी को घटिया होने का मौका ही नहीं मिले। जैसे आप एक्सप्रेस हाईवे पर ड्राइविंग करते हो तो आप जहां मुड़ना चाहते हो मुड़ सकते हो, कि जहां टर्निंग पॉइंट है वही मुड़ सकते हो? कोई भी शराब पी करके भी गाड़ी चला रहा होगा तो बीच में से टर्निंग कर पाएगा वो? क्यों? जगह ही नहीं है। तो तीर्थंकर का यह सपना होता है कि व्यक्ति के लिए, प्राणी के लिए एक ऐसी व्यवस्था निर्माण करो कि कोई बिगड़ना चाहे तो भी बिगड़ नहीं सके, कोई दुर्जन बनना चाहे तब भी दुर्जन बन नहीं सके, कोई दुष्ट बनना चाहे तब भी बन नहीं सके। ये सबसे बड़ा उनका सपना रहता है। और इस सपने के लिए, इस सपने को सच करने के लिए बहुत एनर्जी लगती है। आप कल्पना कर सकते हो स्वयं को भी सुधारना हो तो कितने एफर्ट्स लगते हैं,
और पूरे जगत के जीवों को सुधारने की ताकत लानी हो तो कितने एफर्ट्स लगेंगे, कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी, और वो एक्स्ट्रा एनर्जी कैसी आती है उसका एक उदाहरण आपके सामने दिया था कि चंडकोशी के पास परमात्मा पहुंचे, उस जहरीले सर्प के पास परमात्मा पहुंचे। अब वो सर्प सुधरना चाहता था? नहीं। सुधरने की कोई इच्छा थी उसकी? नहीं। और वो सुधरने के लिए भगवान महावीर को सपोर्ट कर रहा था। क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था, तकलीफ दे रहा था। दुनिया के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी देवता को, तीर्थंकर को छोड़ करके किसी भी देवता को कोई व्यक्ति जाकर के परेशान करेगा तो वो देवता उसको आशीर्वाद देगा कि बद्दुआ देगा? कोई भी देवता तीर्थंकर छोड़ करके तकलीफ देने के बाद, तकलीफ देने के बाद देवता क्या करता है? इसलिए तो हम डरते हैं कि कहीं नाराज नहीं हो जाए देवता। मैक्सिमम आप जो इधर उधर जाते हैं, शनि को राजी कर, इसको राजी कर, उसको राजी कर, क्यों जाते हो? कि कहीं वो नाराज होकर के अपना काम नहीं बिगाड़ दे। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा को तकलीफ देने वाले को, आपको आप देख लीजिए, यदि अभी अभी भारत में बहुत बड़ा ज्वलंत बर्निंग और खतरनाक विषय चला है कि जो हमारे नबी का अपमान करेगा उसका सर गर्दन से कट जाएगा, ये क्या है? ये सजा है कि गिफ्ट है? क्या है? सजा है। और यहां चंडकोशी इंसल्ट ही नहीं कर रहा, भगवान महावीर को तकलीफ दे रहा है, काटने का प्रयास कर रहा है, मारने का प्रयास कर रहा है, फिर भी भगवान महावीर उस पर गुस्सा नहीं करते। ऐसे ऐसे तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, है ना, कि जो गलती करने वाले को पनिशमेंट नहीं देते हैं। गलती करने वाले क्या करते हो? क्या करते हैं? मैं क्षमा पर सेटिस्फाइड नहीं हूं। आपने क्षमा का जवाब दिया, मैं क्षमा पर सेटिस्फाइड नहीं हूं। किसी की गलती को माफ करने से वो व्यक्ति सुधर जाएगा? माफ करने से तो वापस गलती करेगा, है ना? किसी ने गलती करी और आपने माफ किया तो वो क्या करेगा? वापस करेगा। पनिशमेंट देंगे तो भी सुधरेगा नहीं, और गलती को माफ करेंगे तो भी सुधरेगा नहीं। तो क्षमा करना ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है? उसको सुधारना। और कैसे सुधारना? किसी व्यक्ति को सुधारना तो आप क्या करते हो? उसको बखान सुनाते हैं, उसको लेक्चर सुनाते हैं ना? कोई गुस्सा कर रहा तो अपन क्या करते हैं? हे गुस्सो मत कर ना? अब मुझे बताओ, किसी का पेट दुख रहा होगा और वो तड़प रहा होगा, आप उसको कहोगे तड़प मत, वो क्या कहेगा? उसका यदि तड़पना बंद करना होगा तो करना क्या पड़ेगा? पेट का दर्द दूर करना पड़ेगा। कोई गुस्सा क्यों करता है? कहीं ना कहीं तकलीफ होती तभी गुस्सा करते हैं ना। गुस्सा कब करते हो? जब आपको खुशी होती तब गुस्सा करते हो, कि जब आपको तकलीफ होती तब गुस्सा करते हो? तब किसी का गुस्सा छुड़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसकी तकलीफ दूर करनी पड़ेगी। यदि किसी की तकलीफ दूर कर दो तो गुस्सा नहीं करेगा। अब चंडकोशी को तकलीफ है, वो तकलीफ है इसलिए गुस्सा कर रहा है। प्रिंसिपल ध्यान में आ रहा है ना? कोई भी गुस्सा करता है तो दुख के कारण से गुस्सा करता है, वो परेशान इसलिए गुस्सा करता है। वो परेशान नहीं हो तो गुस्सा
नहीं करेगा। तो उसका गुस्सा छुड़ाना है तो उसकी परेशानी दूर करनी है, और परेशानी दूर करी तो उसका गुस्सा छूट जाएगा। तो उसकी जो परेशानी है, वो परेशानी कहां पर है? उसके अंदर के सोच में, उसके अंदर की धारणा में, उसके अंदर के विचारों में, उसके अंदर की एक प्रकार का जो एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड में, उस एटीट्यूड को चेंज करना है। और वो एटीट्यूड उसकी एनर्जी बन चुकी है। मैं स्टेप आगे ले रहा हूं, किसी के विचार बदलने के विचार की जिसके कारण से विचार गंदे आते हैं, उस गंदे शक्ति को चेंज करना, निगेटिव थॉट्स को चेंज करना कि निगेटिव एनर्जी को चेंज करना। वापस एक बार पूछ रहा हूं, निगेटिव थॉट्स को चेंज करना कि निगेटिव एनर्जी को चेंज करना? थॉट से एनर्जी आती कि एनर्जी से थॉट आते हैं? एनर्जी से थॉट आते हैं। तो चेंज किसको करना है? भाग्यशाली आप विराजा हो, विराजो है ना, मैंने इनका साथे थोड़ी बात कर दो है ना। बीज में से पेड़ जन्मता है कि पेड़ में से बीज जन्मता है? यदि पेड़ को सही करना हो तो सही किसको करना पड़ेगा? एनर्जी में से विचार जन्मते हैं कि एचआर में से एनर्जी जन्मती है? अंदर जैसी आपकी एनर्जी एक्टिव होगी, निगेटिव एनर्जी एक्टिव हो गई, आप कितना ही सोचना चाहो अच्छा, तो अच्छा सोच ये सबका अनुभव है। जब भी अपने मन में निगेटिव थॉट्स शुरू होते हैं, अपन उसको दूर करना चाहते हैं, और जितना दूर करने का प्रयास करते हैं उतने वे ज़्यादा आते हैं। क्यों? कि अंदर एनर्जी वो एक्टिव है। तो चेंज किसको करना है? पक्का ध्यान में, चेंज किसको करना? चाहे स्वयं का विचार बदलना हो तो विचार को आप नहीं बदल सकते हो। किसको बदलना पड़ेगा? एनर्जी को बदलना पड़ेगा। रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? जैसी अंदर की एनर्जी एक्टिव होगी, वैसे ही आप बोलोगे, वैसे आप एक्शन करोगे, वैसी आपकी इमोशन होगी। बेसिक कौन है? एनर्जी। और एनर्जी किससे बनती है? श्रद्धा से। एनर्जी किससे बनती है? श्रद्धा से। जैसी श्रद्धा होगी वैसी भावना होगी, जैसी श्रद्धा होगी वैसा विचार होगा। तो ये जो श्रद्धा के अंदर की शक्ति है, इसको चेंज करना है। भगवान महावीर ने क्या क्या वापस उस पूरे प्रसंग को अच्छी तरह से वापस ले आइए। चंडकोशी गुस्सा कर रहा है, चंडकोशिक जहर डाल रहा है, और पहला काम परमात्मा ने किया, उसके जहर को ग्रहण नहीं किया। वो काट रहा है लेकिन जहर बॉडी में नहीं जा रहा है। वो आंखों से जहर डाल रहा है लेकिन परमात्मा उसको ग्रहण नहीं कर रहे। तो कभी भी हमें यदि किसी को सुधारना हो तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? उसका असर अपने पर नहीं हो, इसकी व्यवस्था पहले करनी पड़ेगी। कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो पहले स्वयं को सेव करता है, सब मास्क लगाएगा, सब कुछ करेगा, और उसके बाद ही ओटी में जाएगा। ओपीडी में जाते समय इतना ध्यान नहीं रखता है, लेकिन ओटी में जाते समय पूरा ध्यान रखता है। तो चंडकोशी का असर नहीं हो, इसकी व्यवस्था परमात्मा ने पहले करी। जब भी हमें किसी की एनर्जी चेंज करनी हो तो पहला काम करना क्या पड़ेगा? उसकी एनर्जी रिसीव नहीं करनी। और यदि आपने उसकी एनर्जी रिसीव करी तो आप उसको सुधारोगे कि आप बिगड़ जाओगे? और प्राय यही होता है ना, अपन जाते सुधारने और बिगड़ करके आ जाते। महात्मा गांधी की आत्मकथा में महात्मा गांधी ने अपने जीवन का एक प्रसंग दिया था, उनके स्कूल लाइफ का है। ऐसे वो वेजिटेरियन फैमिली से थे महात्मा गांधी, और उनका एक कुछ दोस्त थे जो गलत रास्ते पर जा रहे थे।
तो मोहनचंद ने सोचा कि मैं इनके साथ रहकर के इनको सुधारूंगा। और उनको सुधारने के लिए साथ में रहते रहते वो ही शराब पीना शुरू कर दिए, और फिर उनको झटका लगा, रहे मैं इनको सुधारने गया था और मैं ही बिगड़ गया। तो सुधारने के पहले क्या करना पड़ेगा, मैं नहीं बिगड़ू इसकी प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। और दूसरा, मेरे पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए, मेरे पास उतनी ताकत होनी चाहिए कि मैं वो ताकत दे करके उसको चेंज कर सकूं। जो आपके पास होगा वही आप दूसरों को दे सकोगे, जो आपके पास नहीं है वो आप दूसरों को दे सकते नहीं है। तो किसी को देने के लिए पहली शर्त क्या होती है, अपने पास वो होना चाहिए। अपने पास होगा तो ही अपन दूसरों को दे सकेंगे, अपने पास नहीं तो अपन दे सकेंगे, और अपने पास नहीं तो अपने को ग्रहण करना होता है। इसलिए आपको पहली साधना क्या दी है कि तीर्थंकर की कृपा को आप ग्रहण करो, क्योंकि आगे जाकर के आपको किसी को तीर्थंकर की कृपा देनी है तो पहले आपके पास कृपा होनी चाहिए। यदि आपके पास कृपा नहीं है तो आप दूसरों को दे सकते नहीं है। तो तीर्थंकर परमात्मा ने कितनी साधना करी होगी, कितनी शक्ति ग्रहण करी होगी, और वो किसकी शक्ति ग्रहण करते हो, बोलिए बोलिए, बराबर उत्तर है, बोलिए, डरिए मत। हल्का सा आवाज आया लेकिन सही आवाज है, वो सिद्ध परमात्मा की। किसकी एनर्जी ग्रहण करते हैं, सिद्ध परमात्मा की। जिस समय तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा लेते हैं तो नमो सिद्धानम कहते हैं, क्या कहते हैं, नमो सिद्धानम। और नमो सिद्धानम का मैंने कल आपको बताया, नमो का मतलब क्या है, स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया। सिद्ध परमात्मा की शक्ति ग्रहण करते हैं, और सिद्ध परमात्मा की शक्ति को ग्रहण करते 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 हैं इतने समर्थ हो जाते हैं कि दूसरों को भी सिद्ध बनाने में समर्थ हो जाते हैं। क्यों, भगवान महावीर ने दीक्षा लेते दूसरे दिन वो चंडकोशिक के पास नहीं गए, भगवान महावीर को पता था चंडकोशिक है। कब पहुंचे हैं, एक साल के बाद पहुंचे, कितने साल के बाद, एक साल के बाद पहुंचे, सेकंड डे नहीं गए वहां पर। एक साल तक उन्होंने सारी वो एनर्जी डेवलप करी अपने, और उस एनर्जी को लेने के बाद वहां पर गए। यदि पहले दिन चले जाते तो नहीं होता है। ये पूरी प्रक्रिया ध्यान से समझना कि पहले अपने के पास, अपने पास कृपा होनी चाहिए, और कृपा ग्रहण करने की कला होनी चाहिए, और कृपा अपने पास इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। दान कौन कर सकता है, श्रीमंत या गरीब, जिसको स्वयं के खाने के लाले पड़ रहे हो, जिसके पास ओवर फ्लो होगा वो दान आराम से करेगा। अब कृपा देनी हो तो अपने पास कृपा इतनी होनी चाहिए कि ओवर फ्लो रहे। तो पहले तीर्थंकर परमात्मा इतनी एनर्जी ग्रहण कर करके वहां पहुंचे, और पहुंचने के साथ क्या किया उन्होंने कि सामने वाले की जो दुष्ट शक्ति है वो प्रवेश नहीं करे। इसको कहते संवर करना, क्या कहते हैं बोलिए, और संवर करने की प्रक्रिया आपको सीखनी है। किसकी प्रक्रिया सीखनी है, और उसका पहला मंत्र मैं आपको दे चुका था कि मेरे पर किसी भी निगेटिव का असर नहीं होगा। यदि आपने एक बार मन में सोच लिया कि उसकी बुरी नजर का असर मेरे पर नहीं होगा, उसके गुस्से का असर मेरे पर नहीं होगा, कोई मुझे डिस्टर्ब करता है, आपको डिस्टर्ब करता है, नहीं करता कोई, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब जो किसी ने डिस्टर्ब किया तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप डेवलप भी हो सकते हो और आप डिस्टर्ब भी हो सकते हो। किसी ने आपको डिस्टर्ब किया है तो आप
अपने अंदर की विल पावर को डेवलप कर करके उसको पीछे भी छोड़ सकते हो, उसको बाईपास भी कर सकते हो, उसको ओवरटेक भी कर सकते हो और उसका अटैक भी झेल सकते हो। क्या करना चाहिए? उसका अटैक झेलना चाहिए कि उसको बाईपास करना चाहिए? और बाईपास किया तो अपन क्या हो जाएंगे? रास्ते में आप चलते कई बार और आपको किसी पत्थर की ठोकर लगती है, ऐसा से ना? क्यों लगी ठोकर? सामने पत्थर आया और आपने पांव थोड़ा ऊपर नहीं उठाया, आप नॉर्मल वे में चलते रहे, जैसा सामान्य रास्ते पर चले तो वैसे ही चलते रहे। अब पत्थर सामने आने में क्या करना चाहिए था आपने? तो पांव ऊपर उठाना, ये डेवलप होना है कि डैमेज होना है? और पांव ऊपर नहीं उठाया तो डैमेज होना है। तो जब भी कोई आपको डिस्टर्ब करता है, इसका मतलब क्या होगा? आपके रास्ते में कोई पत्थर आया है और पत्थर आने में क्या करना चाहिए? पांव ऊपर उठाना चाहिए। ये सोच यदि आपका हो गया तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। ध्यान में आ रही बात? संवर करने का मतलब क्या है? यस, राजा घूमने के लिए गया और उसको काटा चुभा, और काटा चुभा तो खून आया। राजा दरबार में आया और उसने एक प्रस्ताव हुकुम निकाल दिया, पूरी जमीन पर चमड़ा बिछा दो। क्या कर दो? कि काटा मुझे चुभा और उनको भी चुभता है, काटा चुभना नहीं चाहिए। तो काटे नहीं चुभना, इसलिए क्या करना चाहिए? पूरे जमीन पर चमड़ा बिछा दो, किसी को काटा चुभे ही नहीं। मंत्री समझदार था, मंत्री ने कहा कि महाराज पूरे जमीन पर चमड़ा बिछाएंगे, काटा तो नहीं चुभेगा लेकिन खाएंगे क्या? काटा नहीं आएगा लेकिन कुछ भी नहीं आएगा। बोले काटा चुभते उसके लिए क्या करे? बोले काटा चुभता तो जमीन पर चमड़ा बिछाने की जरूरत नहीं, पांव में शूज पहन लो, चप्पल पहन लो, काटे भी रहेंगे तो चुभेंगे। ये आपको इतना समझ में आ जाता आपको, है ना? बस वो डिस्टर्ब क्या है? काटा है। क्या करना चाहिए? चमड़ा बिछा देना चाहिए, चमड़ा बिछा दे। क्या करना चाहिए? किसमें? पांव में काटा चुभे तो पांव में शुद्ध होना चाहिए, और दिमाग में काटा चुभे तो दिमाग में होना चाहिए, दिल में काटा चुभे तो दिल में होना चाहिए, कान में काटा चुभे तो कान को होना चाहिए, नजर में काटा चुभे तो वहां होना चाहिए। ये शुद्ध पहनना, इसको कहते संवर करना, कि काटा चुभे तो भी कांटा अंदर आ नहीं पाए, इसको कहते संवर करना। और इसकी प्रक्रिया आपको 100% सीखनी है, और ये प्रक्रिया बहुत सुंदर है। और ये प्रक्रिया यदि आपने सीखी, प्रैक्टिकल करी, मैं कोई मिरेकल नहीं सुना रहा आपको, मुझे कोई मेरी सारी बातें आपको बतानी नहीं, लेकिन केवल इस बात का मैंने प्रयोग किया हूं आपको बता रहा हूं। मैं 13 महीने जंगल में था और उसमें 11 महीने में अकेला जंगल में था, 2002 की बात है। और ऐसी जगह पर मैं जंगल में था, घास फूस की कुटिया, दूर दूर तक कहीं लाइट नहीं, कोई आदमी नहीं, कुछ नहीं, और सांप ऐसे घूमते थे जैसे गली में कुत्ते घूमते हैं ना, वैसे वहां सांप घूमते थे। और आखिरी और एक जानकारी दे दूं मैं आपको, मैं वहां पर इसलिए गया था कि 3 ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी करी थी कि इस समय आपको सांप काटेगा। आपको यदि भविष्यवाणी हो गई सांप काटेगा तो आप कहां जाओगे? जहां सांप है वहां जहां नहीं, और मैं कहां गया? जहां सांप थे।
आएंगे इंदौर वाले आएंगे, उनसे पूछना, उन्होंने देखा हुआ सारा नजारा है। ऐसे सांप दिन में और रात में वहां पर घूमते थे। एक रात की बात है, पूनम की रात थी और मैं मेरी साधना में बैठा हुआ था, और शारीरिक काम की आवश्यकता पड़ी तो हमारे पास यूरिन पॉट होता है, वो यूरिन पॉट लेने के लिए मैं उठा तो जहाँ यूरिन पॉट था वहाँ बाबा बैठे हुए थे। जैसे वो यूरिन पॉट को हाथ लगाया मैंने तो फुस, मैंने कहा वाह बढ़िया अच्छा है। पहले शारीरिक काम निपटाया और फिर देखा चांद बिल्कुल मध्यान्ह में था तो बाबा की आँखें अच्छी चमक रही थी। ये जितना मॉनिटर है ना उतना डिस्टेंस था उस और मेरे में, अब वो बिल्कुल आराम से और मैं बैठ गया वापस। एक ही मन में सोचता है कि मेरा उसके साथ मैत्री का रिश्ता है तो वो मुझे काटेगा नहीं, और उसके साथ मेरे दुश्मनी का रिश्ता है तो मुझे छोड़ेगा नहीं। ध्यान में आ रही है बात, मेरा यदि उसके साथ मैत्री का रिश्ता है तो मुझे काटेगा नहीं, और मेरा दुश्मनी का रिश्ता है तो मुझे छोड़ेगा, वो कहीं से भी घुस करके काट लेगा। और बस पहुंच गए संवर में, वो आराम से वहां बैठा रहा, मैं आराम से यहां बैठा रहा, वो उसके मस्ती में, मैं मेरे मस्ती में, ना उसने मुझे तकलीफ दी ना मैंने उसको तकलीफ दी। 3-4 घंटे तक वो बैठा रहा, बाद में वो निकल गया। इसलिए जब मैं आपको बात कुछ बता रहा हूं तो एक बात पक्की याद रखना कि सारे प्रयोग मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में करे हुए हैं, है ना। कैसे संवर की प्रक्रिया असर करती है कि आसपास में इतने घुसने वाले सांप एक भी मेरी कुटिया में कभी नहीं आया। अब घास फूस की कुटिया में सांप को घुसने के लिए क्या लगता था, लेकिन एक दिन भी सांप ना दिन में ना रात में कभी अंदर आया ही नहीं। दरवाजे बंद कर दो तो कोई दरवाजा खोल करके आता, रावण भी दरवाजा खोल करके आ सकता, तो बाकी तो किसी का सवाल ही क्या उठता है। तो यह सबसे पहला प्रयोग आपको सीखना है, और उस प्रयोग के लिए मैंने पहली विधि आपके पास दी है लोगोत्स की। दूसरी विधि आज आपके पास है कि सुबह ही जिसमें आप लोगोत्स करते हैं, लोगोत्स होने के बाद अपने पूरे बॉडी को फील करना है। कर सकते हो, कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आप करो अभी बॉडी फील, बैठो आराम से और देखो बॉडी फील होती है क्या, आपका पांव महसूस होता है क्या, आपका पेट महसूस होता है क्या, आपकी नाभि महसूस होती है क्या, वो है लेकिन महसूस नहीं होता है। ध्यान ना गई बात, बॉडी है कि नहीं आपके पास लेकिन फील हो रही क्या, आपको फील कब होता है पता है आपको, जब कोई पेन होने लग जाए ना तब फील होता है, जब तक पेन होता नहीं तब तक फील होता नहीं। फिर क्या करें, आपके पूरे बॉडी को पेन कर दे, बॉडी फील होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, देखो स्थिति क्या है आपकी। आपका शरीर है, जिस शरीर से आप प्यार करते हो, जिस शरीर के लिए सब कुछ करते हो, लेकिन उस शरीर को महसूस नहीं करते। एक शब्द आपने सुना, बहुत बार सुना हुआ है, काउ सगम काय सर्गम। जैन धर्म की साधना का मंत्र क्या है, काय सर्गम। और काय सर्ग का मीनिंग क्या है, दो शब्द है उसमें, काया और उत्सर्ग, काया को छोड़ देना। कैसे छोड़ना है, छोड़ना है ना, काया छूटती मरते समय और छोड़ते ही काय स्वर्ग में,
और काय स्वर्ग में यही संवर की साधना का सूत्र क्या, काय स्वर्ग साधना का सूत्र है। इसलिए भगवान महावीर वहां जाकर के किस में खड़े हो गए, काय स्वर्ग में खड़े हो गए। ये आपने सुना होगा ना कि भगवान महावीर चंडकोशी के पास जाकर कैसे खड़े हो गए, काय स्वर्ग की मुद्रा में खड़े हो गए। अर्जुन माली सामने से आया, सुदर्शन किस में खड़ा हो गया, काय स्वर्ग की मुद्रा में खड़ा हो गया। आप भी जरा काय स्वर्ग में बैठ जाओ, देखता हूँ आपके कितने पास अर्जुन माली रुकते हैं आपके। अपन केवल ठामी कावसगम बोलते, अपना कावसग होता है क्योंकि उसकी प्रक्रिया है, उसकी पूरी प्रक्रिया है। जैसे घर का कचरा निकालना बाहर हो तो पूरा झाड़ू लगाना पड़ता है। अब काया में जो कचरा पड़ा उसको निकालेंगे कब आप, तो उसकी ये प्रक्रिया है ना। एक एक प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मेरा केवल 21 तारीख तक आपको संवर की प्रक्रिया भी प्रैक्टिकल सीख गया तो मेरे लिए बहुत हो गया है ना। कि सबसे पहले कचरा आपके अंदर आना रोकना जरूरी है, और वो रुक गया तो फिर मुझे बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, पेरेंटिंग का चलता है बहुत सारे, और माँ बाप कहते हैं कि हमारे साथ बच्चे मोबाइल सबसे बड़ा आज विषय क्या है, मोबाइल, इसको मोबाइल देखने के मना करो। मैंने कहा मोबाइल लाया किसने, किस लिए लाया, शो के लिए मोबाइल लाया किसके लिए। आप मोबाइल से मुक्त लाइफ भविष्य में जीने की संभावना देख सकते हो। जिस समय टीवी का एक नया दौर शुरू हुआ था 75 में, टीवी 75 के आसपास टीवी आया, तो साधु संत टीवी के बहुत खिलाफ बोल रहे थे कि टीवी ये इडियट बॉक्स है, शैतान है, डायन है, इसको घर में नहीं लाना। एक संत बम्बई पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि मैं सब बम्बई के जैनियों के घरों में से टीवी निकाल करके समुद्र में फिकवा दूंगा। और सच में वो ऐसा व्याख्यान देते थे कि लोग अपने टीवी निकाल करके कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए वापस दूसरा टीवी। तो किसी टीवी का विरोध कर करके आप जी सकते हो क्या, मोबाइल का विरोध करके हम जी सकते हो क्या, करना क्या पड़ेगा आपको। मोबाइल का काटा अंदर नहीं आए ना, और उसके लिए आपको बच्चे के अंदर की एनर्जी का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। आपके अंदर का यह पैटर्न आपको चेंज करना पड़ेगा कि गंदी चीजें आपके अंदर आ ही न पाए। कैसे, जैसे आप जैनी हो, आप शाकाहारी हो, और कहीं रास्ते पर मांस की दुकान हो, वो बकरा लटका हुआ हो, तो वहां से आप कैसे निकलते हो, उसकी तरफ देखते हुए कैसे निकल जाते हो, क्यों क्यों। और वहां से कोई नॉनवेज खाने वाला आदमी गुजरे तो, आप गुजरते हैं तो आप देख भी नहीं पाएंगे। हम लोग देख नहीं पाते, पूरा दिल अपना हिल जाता है, मन पूरा ऐसा लगता है कि वॉमिटिंग हो जाए। इसका किसी ने लेक्चर दिया क्या आपको कि जब भी कहीं मांस देखे तो जो वोमिटिंग होनी चाहिए, लेक्चर दिए किसी ने। लेकिन आपके अंदर की एनर्जी का पैटर्न ऐसे बना दिया है कि जब भी वो चीज सामने आती तो अनइजी हो जाते हो। वैसे ही टीवी के स्क्रीन के प्रति आपको उतना सेंसिटिव होना पड़ेगा कि वहां कोई गंदी चीज आती है तो आप उसके साथ वैसे ही हो जाए जैसे मांस के साथ होते हो, और ये मानसिक बनानी। तो आइए मैं प्रक्रिया की तरफ चल रहा हूं क्योंकि 5 ही मिनट अपने पास है। सुबह जैसे उठे हैं पहले लोगोस का प्रयोग किया है, उसके बाद बिल्कुल हल्के हाथ से है ना
एक एक प्रक्रिया हल्के हाथ से अपने पूरे बॉडी को टच करते हुए ऊपर तक जाना है, पूरे बॉडी को टच करते हुए ऊपर तक जाना, फिर नीचे आना, यानी पूरी बॉडी अपनी जागृत हो जाए। जब तक आपकी पूरी बॉडी जागृत नहीं होगी तब तक आपको बॉडी महसूस नहीं होगी। अभी भी बहुत लोगों के पांव सो गए हैं, है ना, सो गए हैं ना, क्या मजा है ना, आप जागे हुए ना आपका पांव सोया हुआ है ना। तो ये नहीं होना चाहिए ना। अब हम लोग 8 घंटे बैठते हैं और 8 घंटे में भी हमारे पांव सोते नहीं है, क्यों, जागे हुए हैं, उसको हम जागृत रखते हैं। तो पहले आपके बॉडी को जागृत करने का एक तरीका आपके पास है कि आप आराम से हाथ घुमाएं, और यदि डीपली प्रयोग करना चाहते हो तो महसूस करें कि आपके हाथ में सिद्ध परमात्मा की, तीर्थंकर परमात्मा की ऊर्जा है, आपका हाथ उनकी ऊर्जा से चार्ज है और हाथ आपका नहीं घूम रहा है, तीर्थंकर परमात्मा का हाथ घूम रहा है। उस हाथ को चार्ज करने की एक विधि भी है, उसका एक कार्ड आता है, उससे चार्ज भी करते हैं, लेकिन अभी केवल इमोशन चार्ज कर, और पूरे इमोशन से चार्ज करके पूरी बॉडी को फील करने के बाद श्वास गहराई से छोड़ना। लोगों से क्या करना है, श्वास गहराई से लेकर के होल्ड करना है, और अभी क्या करना है, श्वास गहराई से छोड़ना है, और छोड़ करके तुरंत श्वास लेना नहीं है, बाहर का श्वास बाहर रोकना है, और उस समय छोटा सा संकल्प कि मेरे सारे दरवाजे बंद है, नो एंट्री फॉर नेगेटिव, मेरे अंदर कोई पाप का प्रवेश नहीं होगा। ये पूरे शरीर को महसूस करते हुए अपने प्रक्रिया शुरू करनी है। आज मैंने एक्सप्लेन करी है, कल वापस कराऊंगा, कुछ पूछना हो तो 2-3 मिनट आपके पास है, केवल 1 क्वेश्चन के लिए टाइम है। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, पूछने में डर लगता है या पूछना नहीं है, मन में सवाल नहीं है कि पूछना नहीं है, मेरी ओर से आपको अभयदान है, है ना, क्या है, अभयदान है, और डरने की बात नहीं है, और मेरी ओर से हमेशा ध्यान में रखें, मैं कभी सवाल को गलत नहीं कहता, है ना, सवाल आपका जो भी आएगा, बस शर्त कितनी है कि जो सब्जेक्ट चल रहा है वो सवाल आ जाए, है ना, तो पता चलेगा आगे क्या चलता। तो ये प्रयोग आपने करना है, लोगस्य का प्रयोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, परफेक्ट हो जाइए। पहले जावन देना है, फिर दरवाजे बंद करने हैं, और फिर अगली बात अपन प्रैक्टिकली चलना है ना। आज केवल शरीर का किया, आज किसका प्रयोग दिया आपको, शरीर का दिया, फिर इंद्रियों का करना है, फिर मन का करना है, और फिर चेतना का करना है। अपने कितने दरवाजे हैं, 9 दरवाजे, कितने दरवाजे हैं, एक एक दरवाजा बंद करना है। उसमें सबसे पहला दरवाजा कौन सा है, का शरीर का, ये शरीर का दरवाजा बहुत बड़ा है, फिर 5 इंद्रिय के 5 दरवाजे हैं, फिर मन का दरवाजा है, फिर श्वासोच्छ्वास का दरवाजा है, सारे दरवाजे क्या करने हैं, ये बंद करने हैं, और ये बंद करेंगे तब आपको पता पड़ेगा कि काय स्वर्ग किसको कहते हैं। ध्यान में आई बात, ओके, मंगल पाठ, चदारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारी लघुतमा अरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली पन्नतो धम्मो लघुतमा चत्तारी सनम बवज्जामी अरिहंते सनम बवज्जामी सिद्धे सनम बवज्जामी साहु सनम बवज्जामी केवली पन्नतम धम्मम सनम बवज्जामी
अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा, चार मंगल चार उत्तम चार शरणा, दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पदों।